हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है और आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल अमित YT में बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं कि दोस्तों यदि आप भी Facebook यूज करते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग के लिए भी होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि दोस्तों एक प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा Facebook में आ रही है कि दोस्तों जैसे ही बंदे लोग अपने मोबाइल में दोस्तों Facebook का या पासवर्ड फॉरवर्ड करते हैं दोस्तों जो उसका 6 डिजिट का OTP होता है वो दोस्तों आता ही नहीं है। दोस्तों 1 डेज या दोस्तों 2 डेज या दोस्तों आता ही नहीं है OTP। दोस्तों इस प्रॉब्लम का मैं सलूशन इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को आप लोग फुल वॉच करना, सारा डिटेल आप लोग को इस वीडियो में मिल जाएगा। तो गाइस चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ मेरा जो फेसबुक है और यहाँ गाइस मैंने भी एक बार ट्राई किया था मैंने अपने पासवर्ड को फॉरगेट करने के लिए और गाइस मैं वहाँ कर रहा था बट दोस्तों मेरे को OTP भी नहीं मिली। तो दोस्तों मैंने सोचा कि एक ना वीडियो बनाया जाए इस पर। तो गाइस चलिए हम वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सिंपल सा करना क्या पड़ेगा, आप लोग को अपने सेटिंग को ओपन कर लीजिएगा मोबाइल की। उसके बाद गाइस आप लोग को यहाँ पर आप लोग को मिलेगा ऐप्स का ऑप्शन। तो गाइस ऐप्स पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आप लोग को सेकंड नंबर पर मिलेगा मैनेज ऐप्स पर। तो गाइस मैनेज ऐप पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर जो आप लोग मोबाइल में जितने भी ऐप्स होंगे गाइस यहाँ पर आ जाएंगे। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ऐप आ गया और गाइस यहाँ पर मैं यहाँ पर सर्च बार दिखेगा। तो गाइस मैं यहाँ पर फेसबुक सर्च कर लेता हूँ। गाइस यहाँ फेसबुक सर्च करने के बाद गाइस आप लोग को करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर फेसबुक है इस पर एक बार टैप कर देना पड़ेगा। उसके बाद गाइस आप लोग को करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर गाइस आप लोग को जो क्लियर डाटा है इस पर ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और गाइस यहाँ पर आप लोग को क्लियर आयल डाटा पर क्लिक करके और गाइस यहाँ पर ओके कर दीजिएगा। तो गाइस इससे क्या होगा, जो आपका OTP नहीं आ रहा था वो गाइस यहाँ पर आने लगेगा। तो गाइस मैं यहाँ पहले आप लोग को बता देता हूँ, क्लियर आयल डाटा पर मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद गाइस आप लोग को यहाँ से बैक जाना पड़ेगा। उसके बाद गाइस अब जब आप लोग अपने फेसबुक को यहाँ से लॉगिन करेंगे तो गाइस आप लोग का जो फेसबुक है वो लॉगिन हो जाएगा और जो OTP नहीं आ रही थी दोस्तों वो OTP भी आने लगेगी आपके मोबाइल फ़ोन में। तो दोस्तों आप लोग का जब यहाँ पर लॉगआउट हो जाएगा तो गाइस यहाँ पर आप लोग को अपने फेसबुक को दोस्तों यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा। तो दोस्तों आप लोग लॉगिन कर सकते हो दोस्तों और आप लोग का OTP भी आने लगेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए पसंद आई होगी। अगर दोस्तों पसंद आए तो लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि ऐसे ही वीडियो हमारी आपको तुरंत मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ में।